एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे भाई, मैं भी एकदम बढ़िया। तो फाइनली यार आज वो दिन आ गया है, हमारी एक कार की डिलीवरी हम लोग आज लेने जा रहे हैं। तो ईवी की तो डिलीवरी नहीं है आज, आज हमारी लॉर्ड आने वाली है। तो भाई लॉर्ड एस्प्रेसो आने वाली है आज हमारी, और सडन प्लान बना, ये नहीं था कि आज के दिन में ही लेनी है, दो तीन दिन का था कि दो तीन दिन में ले लेंगे, बट एकदम फिर भाभी ने भी बोला भाई ठीक है जब लेनी है तो आज ही लेके खत्म करो, क्योंकि जितना दिन आप तुम लोग डिले करोगे ना उतने ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो उनका पॉइंट भी बहुत वैलिड है। हमने कहा ठीक है भाई, करना तो है ही काम, आज ही खत्म करते हैं। तो मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं, और पहले तो भैया और भाभी को पिक करेंगे उनके घर से, फिर हम निकलेंगे शोरूम पे। अब यार मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैंने उस दिन आपने जो लोग भी पुराने हैं उन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो उन्होंने भी देखी, उन्होंने देखा होगा कि जो एस्प्रेसो आ रही थी वो आ रही थी पहले VXI। तो उसमें एक छोटा सा चेंज है यार, वो क्या चेंज है वो मैं आपको शोरूम में दिखाऊंगा, मैं कार ही दिखाऊंगा आपको मेनली। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि जो हमने प्लान किया ये ठीक था डिसीजन या नहीं ठीक था वो चीज़ चेंज करना। तो भाई बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, आज ये मेरे चैनल की पहली एक वीडियो होगी जो कि हमारी डिलीवरी वाली होने वाली है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो भाई जुड़े रहो, दिखाते हैं फिर आपको आज, पहले तो आपको भैया भाभी से मिलवाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जब शोरूम पहुँचेंगे तो शोरूम में मैं आपको कार भी दिखाता हूँ कि कौन सी कार आ रही है एग्जैक्टली और कौन सा कलर। तो यार हम लोगों का तो भाई हम लोग अब चल दिए हैं शोरूम की तरफ, और मिस्टी भैया और भाभी सब लोग बैठ गए हैं कार में, और अब हम लोग लेने चल दिए हैं अपनी लॉर्ड एस्प्रेसो। तो मिस्टी कहाँ जा रहे हैं हम? Which one? Do you know the name of the car? लॉर्ड एस्प्रेसो। यस, देखो बच्चों को भी पता है भाई। तो चलो ठीक है यार, शोरूम पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको कार। भाई शोरूम पे पहुंच गए मारुति के, ये देखो आप एरिना शोरूम है, और ये है भाई अपनी कार जो हमने ली है। तो जो आपने देखी थी वो VXI थी, ये VXI प्लस ली है हम लोगों ने अब। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस आ गए देखो, एक तो सबसे पहले ये सिल्वर ट्रीटमेंट आ गया, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आ गया, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ गए फालतू, प्लस पार्शल ट्रे भी मिल गई पीछे। तो भाई ये कुछ फीचर्स हैं जो फालतू मिल गए हैं, और जस्ट हमने 32,000 रुपये दिए हैं एक्स्ट्रा। तो आप उस हिसाब से देखो ये 32,000 रुपये के हिसाब से कितनी अच्छी चॉइस है, ये पूरी गाड़ी है। तो कुछ ऐसी दिख रही है गाड़ी यार देखने में, यार अब अच्छी लग रही है। मतलब जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हो ना उसके बाद आपको वो जब ध्यान से देखते हो तो समझ में आ रहे हैं इसके स्टैंड्स, ऊंची भी है प्रैक्टिकल भी है, और बड़े सही रेटों में मिल गई। मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे जो ये डील पड़ी है 5,82,000 रुपये में, जिसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूडेड है, तो उस हिसाब से तो एक बड़ी अच्छी चॉइस है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको नई कार आ रही है? नई कार आई तो अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सी कार आ रही है? अच्छा, वैसे लॉर्ड एस्प्रेसो है ये। हाँ, लॉर्ड एस्प्रेसो। मिस्टी आपको कैसा लग रहा है? अच्छी। अच्छी या अच्छा? देखना कैसे शर्मा रही है वीडियो। कैसा लग रहा है लॉर्ड एस्प्रेसो आ रही है घर पे? अच्छा लग रहा है, बाकी तो अब कार कर रही थी उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा। वो तो हमने चला के देखी थी कल, बढ़िया चल रही थी लॉर्ड की तरह। नहीं मारुति में दिक्कत होगी तो हम घर में भी ठीक कर लेंगे, दो एक जगह से आप खोलना एक जगह से। मैं तो बोल रहा हूँ दूसरी कार भी मारुति ले लो, दूसरी भी मारुति। संजू प्रकाश डाल थोड़ा सा, कैसी लगी कार? तो बढ़िया लगी, मैंने वही सजेस्ट करी थी लॉर्ड एस्प्रेसो, क्योंकि तो ब्रेजा ओनर है इसलिए। वैसे भी मतलब सेफ्टी को छोड़ के तो बाकी सब अच्छा ही है। अच्छा, सेफ्टी बस है। वैसे एक बात है, अंदर से फिट एंड फिनिश तेरे वाली ब्रेजा से बेटर है,
सेम ही है भाई वो अपडेटेड वेरिएंट है संजू वाली ब्रेजर से फिट एंड फिनिश बेटर है अंदर से मेरी वाली में तो कुछ हिलता नहीं है नहीं हिलेगा इसमें भी कुछ नहीं तो फिट एंड फिनिश तो वही होती है नहीं हिलेगा कुछ हिल रहा है नहीं यार बचती तो है वो थोड़ी सी नहीं बट अच्छी है गाड़ी बहुत अच्छी है फ्रॉन्क्स भी बहुत अच्छी है मैं तो बोल रहा हूँ उनसे कि ईवी की जगह फ्रॉन्क्स ले लें ईवी का नाम मत लेना अभी ये सरप्राइज है सस्पेंस है अभी अच्छा हाँ पर हाँ ईवी अभी रेडी नहीं है इंडिया के लिए अभी टाइम लगेगा इससे आप फ्रॉन्क्स से कहीं जा सकते हो एस्प्रेसो से तो और कहीं भी जा सकते हो एस्प्रेसो से तो हम लद्दाख प्लान करेंगे सबसे पहले कहीं भी पहाड़ों पर चला लो भैया सीटिंग चढ़ जाती है बहुत कैपेबल गाड़ी भाई ऐसा है लॉर्ड एक्सप्रेस से तो हम लोग अब लद्दाख निकलने वाले हैं एक बार इसका नंबर आ जाए और स्कॉर्पियो हमारे पीछे होगी और हम स्कॉर्पियो के आगे होंगे क्यों मम्मी फाइनली पेपर साइन हो रहे हैं अब कार के लिए तो ये कार भाभी की है तो भाभी के नाम पे रहने वाली है तो पेपर्स तो साइन हो गए हैं अब देखते हैं कितना टाइम लगता है तो भाई फाइनली कार रेडी हो रही है अब डिलीवरी के लिए पर्दे वर्दे लग गए हैं तो भाई फाइनली तो भैया फाइनली भैया चाबी देंगे भैया को और अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं अब यहाँ से तो काफ़ी अच्छा रहा यार एक्सपीरियंस मतलब इतनी रात को भी बहुत अच्छे से लोगों भाई इन सब ने एंटरटेन किया और ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं और अभी तक भी चीज़ें हो रही हैं ये भी आप व्हाट्सएप कर देंगे ना Did you like the car? Yes. Oh, what is the car name? My name is Espresso. Lord Espresso. What? Finally, ab baith rahe hain car mein. Chalo bhai, gaadi start ho gayi hai. तो भाई यही था आज की वीडियो में देखा आपने हमने फाइनली डिलीवरी ले ली है अपनी एस्प्रेसो की देखो यार गाड़ी ना कोई भी हो आप कोई भी गाड़ी खरीदो उससे फर्क नहीं पड़ता बट उसकी जो एक खुशी होती है ना अभी तो सबका एक अपना बजट होता है और ये हम सेकेंडरी कार ले रहे हैं तो एक कार और आने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया है ईवी आने वाली है तो उसकी खुशी अलग होती है यार और एक नई कार की जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती है तो उसका मजा कुछ और है तो भाई ये था आज की वीडियो में आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और अगर चैनल पे नए आए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ